सो हेलो गुड मॉर्निंग, आज है 2 जनवरी और हो चुकी है आज धूप कम आ रही है। आज थोड़ा बादल से आए हुए हैं, जैसे कि 4 तारीख के बाद यहाँ पे स्नोफॉल होने की पूरी संभावना है। 4, 5, 6, 7, 8 मैं बताता रहूंगा कब से कब, अगले व्लॉग में बता दूंगा कि आपको मसूरी आना चाहिए नहीं आना चाहिए, स्नोफॉल पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, क्योंकि लेकिन बहुत ज्यादा मौसम खराब है, मैं डेली चेक कर रहा हूँ। तो फाइनली 2 जनवरी को बाइक की सर्विस हो गई है जिसके 2 महीने से नहीं हो पाई थी, तो देहरादून के पास ही है यहाँ पे माल देवता की तरफ, तो भाई वहाँ पे सर्विस करवा के लिया है। कितने रुपए लगे? 300 रुपए में सर्विस हो गई है। मजा आया चलाने में? बढ़िया है ना, तो सुमित भी कह रहा होगा अच्छी है ये। चल बहुत बढ़िया, चमक गई 300 रुपए में, चल बहुत बढ़िया, अब टेंशन फ्री है। अब इसको अब कब बोल रहा था सर्विस कराने की? मार्च यानी कि जनवरी चल रहा है, फरवरी मार्च डेली भी चलाएंगे, मतलब 3 महीने में करा लो। अगर नोट करते हो तो हर 2000 पे करा जाए। अच्छा, हर 2000 पे? हाँ, वो तो पता चल जाता है चलाने पे। चमक गई, अभी चली कहाँ, अभी तो थोड़ी बहुत ही चली है, चलाने में बहुत मजा आता है इसका, बहुत, इसको तो कितना भी चला लो। तो अभी आज का प्लान था कि हम सोच रहे थे कहीं घूमने चले जाएं, ठंडे भी है, सब घर पर है, तो मेरा मन था बहुत दिनों से सत्यनारायण गेट से सफारी करने का, लेकिन 17 से मैंने उसको फोन किया गाइड को, तो उसने बोला वहाँ से सफारी नहीं होगी, क्योंकि वहाँ 1-2 हफ्ते ही सफारी चली थी और बंद हो गई थी। मैं भी सोचू मतलब कि न्यूज में क्यों नहीं आ रही वहाँ की कोई भी न्यूज, मतलब इन्फॉर्मेशन। वहाँ पे जो टाइगर अथॉरिटी कुछ है उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने भी टाइगर छोड़े हुए हैं, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे आपने बिना विदाउट परमिशन सफारी चालू करी थी, तो वो सफारी काफी ठीक थी, 10 किलोमीटर जाना 10 किलोमीटर आना 20 किलोमीटर का ट्रैक था। तो अभी जो ऑप्शन बचा है वो मोतीचूर का बताया, लेकिन मोतीचूर वाली सफारी बहुत छोटी है, 7 किलोमीटर जाना 7 किलोमीटर आना 14 किलोमीटर, कोई जानवर भी नहीं दिखते हैं, तो मोतीचूर को तो कभी कोई प्रेफरेंस देता ही नहीं है, और लेकिन पैसे उतने ही लगते हैं, तो इसलिए बस हमारे पास ऑप्शन है कि चिला रेंज की सफारी करी जाए या फिर झिलमिल झील कंजर्वेशन रिजर्व की सफारी करी जाए, वहाँ पे बारासिंगे दिखते हैं, इकलौते बारासिंगे सबसे ज्यादा वहीं पे ही है, या फिर हमें रानीपुर रेंज की सफारी की जाए, या फिर मोहंड की सफारी भी दिन में होती है, मोहंड सफारी सहारनपुर रोड की तरफ बहुत दूर पड़ता है वो थोड़ा सा, तो उस तरफ तो जाएंगे, तो रानीपुर की कर सकते हैं या फिर चिला की कर सकते हैं, और या फिर झिलमिल झील की भी कर सकते हैं, तो ऑप्शन बहुत है। झिलमिल झील काफी दूर है यहाँ से, देखते हैं जैसा भी होगा अपडेट करूंगा। अभी तो फिलहाल 11:30 बज रहे हैं, इन लोगों को मैंने बोल दिया जल्दी से जल्दी तैयार हो जाओ, 12:30-1 तक तो हम यहाँ से निकल ले कम से कम। हाँ, तो अभी सीन ये है कि मैंने फोन किया था चिला रेंज में अपने गाइड को, उसने बोला कि भाई चिला रेंज, क्योंकि आज 2 जनवरी है, संडे है, न्यू ईयर वाले लोग भी काफी आए हुए हैं, कह रहा कि धूल ही धूल उड़ रही है पूरे पार्क में, बहुत तेजी से जीप जा रही है और कोई फायदा नहीं है, आज मत आना, और बिल्कुल भी ओवर बुकिंग हो रखा सब कुछ। और मैंने कहा चलो चिला नहीं जाते हैं, चिला कैंसिल हो गया, सत्यनारायण सफारी कैंसिल हो गया, झिलमिल कंजर्वेशन रिजर्व दूर है अब बचा है, और मोतीचूर छोटी ट्रैक है, अब बचा है रानीपुर रेंज। रानीपुर रेंज में सुरेश्वरी देवी का टेम्पल है, वो तो ऑप्शन है ही, वहां पे चले जाएंगे, वरना सफारी देखते हैं वहीं पे जाके। मैंने अपने गाइड से बात करी है, बोल रहा है कि वहीं पे कार पार्क होंगी, वहीं पे चले जाना, वहीं से ही सफारी बुक कर लेना, तो अब हमारे लक के ऊपर डिपेंड है, जो भी होगा देखा जाएगा। 67 किलोमीटर मेरे घर से रानीपुर रेंज है, हरिद्वार में पड़ता है, तो सीधा कार वहीं पे जाके रुकेगी, उसके बाद देखते हैं। मैं वहां पे इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि रोड बहुत बढ़िया है, फ्लाईओवर बन चुके हैं हरिद्वार में, और इधर से भी कोई शायद कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, तो चलते हैं रानीपुर रेंज, आज आपको वहां के भी दर्शन करा देता हूँ। तो भाई नई कार में पहली पिकनिक हो रही है, और ये हमने दही बड़े कर लिए पैक, चटनी वगैरह पैक कर ली है। कौन कौन रह गया बिना तैयार हुए? तू होगी तैयार कोमल? और मम्मी तुम्हें क्या करना है? बस कपड़े चेंज करने हैं और कुछ नहीं, तो तुम्हें तो 10-15 मिनट लगेंगी। सैली कितनी टाइम लगेगा? जल्दी चल, यानी कि तुम सब निमट जाओगे 10-15 मिनट में, है ना? मोनू क्या कर रहा है? ये नहाने गया है क्या? हो जा तैयार जल्दी। भाई जा तो रहे हैं यहाँ से, पर शाम को वापस आ जाएंगे, इसका भी सी दुख है, मतलब ऐसा मन करता है कि बस जाओ और फिर फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में रुको, पाखरों में रुको, हल्दूपुरा में रुको, रानीपुर में रुको, बहुत सारे फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में रुको, 3-4-5 दिन बाद वापस आओ घर पे, लेकिन क्या कर सकते हैं, इनको टाइम नहीं है जितनी भी टीम जा रही है। जहाँ मैं जाना रानीपुर गेट, वो पूरा 1 घंटे 40 मिनट का रास्ता है और 67 किलोमीटर है यहाँ से, यानी कि अभी भी चलता हूँ तो 2:21 पे पहुंचूंगा, और अभी इन लोगों को टाइम लगने वाला 10 मिनट और। चलो भाई यहाँ से निकल रहे हैं, और कितने बज रहे हैं? पूरा 1 बज रहा है, अब देखते हैं कितने बजे पहुंचेंगे, अनुमान है कि 1 घंटा 40 मिनट का रास्ता दिखा रहा है, और गूगल मैप के अकॉर्डिंग 2:40 पे पहुंचेंगे। सब रेडी है ना? तो रायपुर पहुंच गए हैं, और यहाँ पे भाई का ऑफिस है आर्किटेक्ट का, कहाँ पर है ये जो एक्सपोज़ ब्रिक वर्क का वो बोर्ड लगा हुआ है? अच्छा, तुमने बोर्ड लगा लिया ब्रिक स्टूडियो? अच्छा, ये नीला सा जो बोर्ड लगा हुआ है, ऑफिस कौन सा? अच्छा, शॉप के पीछे साइड में दरवाजा। अच्छा अच्छा, बढ़िया जगह बना रखा है, बढ़िया जगह है ऑफिस। तो किसी को आर्किटेक्ट की कुछ कंसल्टेंसी लेनी हो, कोई काम करवाना हो देहरादून उत्तराखंड में, तो कॉल कर सकता है, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। तो वही आज फिर कल वाली जगह पहुंच गए हैं, लच्छीवाला से पहले जो मंदिर है जंगल में, और आज देखो कितनी भीड़ है, कल इतनी भीड़ नहीं थी, आज बहुत ज़्यादा लाइन, देखा कितनी लाइन लग रही है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। पहुँचने वाले हैं हरिद्वार, नेपाली फार्म से राइट ले लिया, ये सत्यनारायण का मंदिर है, काफ़ी इसके आसपास काफ़ी वाइल्ड लाइफ है, काफ़ी नरभक्षी लेपर्ड है, और यहीं से ही राइट साइड में हमें आज सफारी करनी थी सत्यनारायण से, लेकिन वो बैन हो चुकी है, तो अभी नहीं होगी, अब हम जा रहे हैं आगे रानीपुर रेंज पे। तो दोनों तरफ बहुत खतरनाक जंगल है, राजाजी नेशनल पार्क का जो ट्रैक जा रहा है रेलवे का, वो इधर से जा रहा है लेफ्ट साइड से,
रात को तो यहाँ पे पैदल चलना भी मना है, दिन में भी पैदल चलना मना है। हर की पैरी पहुँच गए हैं, पहुँच गए हैं हरिद्वार, पहुँच गए हैं हरिद्वार के भेल एरिया में। यहाँ पर सारी इंडस्ट्रीज हैं, सारी BHEL सबसे बड़ी यहाँ की ऑर्गेनाइजेशन है। बाकी यहाँ पे शायद हीरो की फैक्ट्री है, राजा बिस्कुट है, काफ़ी चीज़ें। तो बस पहुँचने वाले हैं, यहाँ से थोड़ी सी ही दूर रह गया है रानीपुर रेंज, रानीपुर का गेट यहाँ से राइट लेना है और सिर्फ 3 किलोमीटर रह गया है। आई एम रियली एक्साइटिंग। रानीपुर रेंज का जंगल दिख रहा है और बिल्कुल राजा जी के किनारे यही एरिया। काफ़ी बार बारे में आता है कि सुबह मॉर्निंग वॉक पर गए हुए आदमी को हाथी ने मार दिया, ये है वो है, काफ़ी बार न्यूज़ आती है। देखो सरकारी क्वार्टर है यहाँ पे, एक बहुत बड़ा ग्राउंड भी है। लेफ्ट लेना है, ये क्या है, नगर पालिका परिषद शिवालिक नगर। अच्छा ये शिवालिक नगर है। कभी किसी को हरिद्वार आना हो तो यहाँ पर एडिशन ब्लू होटल भी है, 3,500-4,000 रुपये मिल जाता है, मतलब ब्रेकफास्ट फ्री मिलता है उसके साथ, बहुत अच्छा स्विमिंग पूल है, वहाँ पर भी रुक सकते हैं। तो एग्जैक्ट 2:26 पे यहाँ पे पहुँच गया हूँ रानीपुर रेंज के गेट पे, और कार भाई हमने यहाँ पे पार्क कर दी है। अब मेरे को ये नहीं पता कि यहाँ पे कोई जिप्सी तो दिख नहीं रही है, टिकट भी काट रहे हैं, शायद ये सुरेश्वरी देवी के लिए काट रहे होंगे, चलो देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पर सुरेश्वरी देवी के लिए टिकट मिल रहे हैं, ये बोल रहे हैं पर कार 30 रुपये और पर बाइक 15 रुपये का चार्जेस है, आदमी कितने भी हो, आदमी का नहीं कटता, व्हीकल का कटता है। और बोला सफारी के लिए इधर मालूम कर लो, तो सफारी का पूछ लेता हूँ। और मेन गेट वो है रानीपुर रेंज का, सफारी का सामने जो दिख रहा है मंदिर का ये है। तो मैं पिछली बार भी गया था कार से ही, तो ये मंदिर का गेट है सुरेश्वरी देवी का, यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं। और इनका ऑफिस कहाँ पर है, छोटा सा गेट खुला हुआ है, काश हो जाए सफारी। लिखा तो है कि भाई शाम को और सुबह को टाइमिंग, यहाँ पर ये गेट है, देखते हैं कोई है क्या। मैं इस रूम में गया था तो यहाँ पे एक लेडीज़ थी फॉरेस्ट वाली, उसने बोला कि कैंटीन वाले से पूछो, तो अब कैंटीन वाले से पूछने जा रहा हूँ, वो क्या बताएगा। कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है, तोते उड़ रहे हैं इधर उधर, पूछते हैं भैया यहाँ पर। चलो भाई अंकल से पूछना है, कैंटीन वाले ने अंकल के पास भेजा, जब तक हम मंदिर घूम के आते हैं। और ये पर्ची कटी है। तो भाई बात ये हुई है कि अभी यहाँ पे ना गेट पे अमरनाथ जी हैं, जो कि पिछले 20 साल से हैं यहाँ पे फॉरेस्ट वाले, तो उन्हीं की ये कैंटीन है, उन्हीं के ये पर्ची कट रही है जो मंदिर के लिए दे रहे हैं ये। तो 30 रुपये की हमने कटवा लिया कार की, और वो बोल रहे हैं कि आज बहुत ज़्यादा क्राउड है और सारी जीप अंदर गई हुई हैं, और कह रहे हैं कि अगर चिला से भी मंगाओगे चिला में भी अवेलेबल नहीं होगी, चिला की भी सारी बुक होंगी और टाइम भी लगता है यहाँ पे आने में। तो मैं अपने जो जानने वाले हैं जिला जगदीश जी चिला में गाइड, उनको फ़ोन किया, वो फ़ोन नहीं पिक कर रहे हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, जब तक ये तो हम पहले ही सोच के आए थे कि हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है सफारी। तो अभी सुरेश्वरी देवी में अंदर जंगल में वहाँ तक कार जाती है, उसकी 30 रुपये की पर्ची कटा लिए, दिखा देता हूँ कैसी है। तो जब तक वहाँ घूम के आते हैं और सोचते हैं क्या करना है, वरना मंदिर घूम के वापस चले जाएंगे। तो ये पर्ची काटी है इन्होंने, ये लिखा हुआ है श्री सुरेश्वरी देवी पार्किंग राजा जी टाइगर रिजर्व ज्वालापुर हरिद्वार, 10 रुपये की ये है और 20 रुपये की है राजा जी टाइगर पार्क में प्रवेश करने की। चलो तो भाई अब चलते हैं सुरेश्वरी देवी की तरफ, और रास्ते में दिखेगा रानीपुर रेंज का फॉरेस्ट रेस्ट हाउस, तो वो भी दिखाने की कोशिश करूंगा पूरी। और देखो ये टीन शेड में हाथी खड़े करने का है, ये इसके नीचे हाथी रहते हैं।